इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, आपको ग्राफ से नहीं करना है। अंडर ग्रेविटी का मतलब जमीन के अंदर नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है या आप ऊपर की ओर बॉडी को फेंक रहे हैं, क्या चेंज होगा? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो आप एक्सलेशन लिख रहे हो ना, ए की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी? जी की इक्वल हो जाएगी, काम खत्म बस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, s। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर जो s होगा ना वो हाइट से रिप्रेजेंट होगा। हाइट और लेंथ में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ, हाइट और लेंथ में क्या है? मैं इतना लेंथ, मेरी लेंथ इतनी है, मेरी हाइट इतनी, क्या बोला जाएगा? बोले हाइट ही बोला जाता है। हाँ, तो हाइट और लेंथ में क्या अंतर है? नहीं मालूम, एक ही चीज़ है। जब हॉरिजेंटल ऐसे काउंट की जाएगी, ऐसे नापी जाएगी, ये लेंथ है, और वर्टिकल नापी जाएगी तो हाइट है। तो यहाँ पर एच, एस ये क्या लिखा जाएगा, एच। हम बोले ऐसे ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लेकिन जनरली वो देखने में ख़राब लगता है। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए नहीं यूज होगा, एक जगह जी यूज होगा। अब बोले हम ए ही यूज करें, नहीं यूज करोगे, क्योंकि जी जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइन है, इसलिए आप यही यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और जो आपका टीएथ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है उसको भी लिख सकते हो यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। तो ये आपका अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन होगा, वही आपका इक्वेशन है, इसमें केवल एक ही जगह जी का इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट ले सकते हैं आप कि अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी गई है, इफ बॉडी इज थ्रोन, इफ द बॉडी इज थ्रोन, ये तो ड्रॉप की गई है, यहां पर बॉडी को क्या किया गया है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, अगर ड्रॉप का मतलब यू जीरो होता है, ड्रॉप का मतलब ये होता है, ऐसे फेंकना यानी यू है उसके पास, वैसे ड्रॉप करना मतलब यू की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। इफ द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, तो अपवर्ड में ए की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, माइनस जी लिख देंगे, ठीक है। तो जितने इक्वेशन लिखे हैं ना आपने, इसमें सब में क्या लिख दीजिए आप, उसी में लिख देना माइनस। बोले अच्छा उसी माइनस कर देना है, बोले हाँ नहीं, ये माइनस लगा दीजिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। किसी इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई बॉडी चल रही है तो यू तो नहीं चेंज होगा ना, क्या बॉडी को किसी वेलासिटी से फेंक रहे हैं, बॉडी कहेगी नहीं भैया हम तो स्मूथ में चलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन है तो हम तो स्पीड चेंज कर देंगे, क्या चेंज होगा? केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ भी होगा, ठीक है। जरा समझिएगा यहाँ लफड़ा क्या है, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ का मतलब होता है रास्ते में फ्रिक्शन नहीं है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। जरा सावधान, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत करेंगी आपको, पहले से बता देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ यूज़ हो गया है इसलिए हम बता देते हैं। देखिए, अगर कोई बॉडी को आप एक बॉल लीजिए और ऐसे ज़मीन पे ऐसे सुर्रा ऐसे लुढ़का दीजिए, जैसे देखा होगा वो क्रिकेट मैच होता है, हीरोइन वर्सेस क्रिकेटर, देखा कभी मैच, तो उसमें हीरोइन भी बैटिंग करती है, हाँ फेंको 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 फेंको, अभी ऐसे सुर्रा फेंका था इसे, एक जड़ा जैसे फेंका जा तो मून का इतना बड़ा फूल जाए। तो अगर आप ऐसे ढड़गा दीजिए एक बॉल को, तो बॉल वो आगे तो बढ़ेगी, तो क्या हाइट कवर करेगी? यानी उसके पास हॉरिजेंटल मोशन तो है लेकिन वर्टिकल हाइट नहीं है। एक बॉडी को 90 डिग्री पे फेंक दीजिए और वहीं खड़े रहिए, गिरने दीजिए, कहाँ गिरेगी आकर के, तुम्हारी खोपड़ी पे, यानी वो वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करेगी लेकिन हॉरिजेंटल कवर नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन किसी एंगल पे फेंकिए तो एंगल पे आप कहेंगे भाई ये बॉडी अब कहाँ है, बोले ओ देखो दादा की छत पे पहुँच गई है, तो दादा की छत मतलब उसने हाइट भी कवर की, और दादा का घर आपसे थोड़ा सा दूर है तो यानी उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर की। तो अगर कोई बॉडी हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए जाए यू वेलोसिटी से, तो उसके पास दो कंपोनेंट हैं, इधर डायरेक्शन में भी वो आगे बढ़ रही है और ऊपर डायरेक्शन में भी जा रही है, सही कह रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। और अगर हम निकालना चाहें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी तो आपने ये दी है ना, तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिएगा,
अगर यू वाई है तो ये भी यू वाई होगा कि नहीं होगा, उसी पैरेलल है ना। अगर मैं डायरेक्शन भूल जाऊं, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा लूं, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू एक्स को आप यू कॉस थीटा ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर साइन थीटा लगा दूँ तो ये आएगा यू वाई अपॉन यू, तो यू वाई को आप यू साइन थीटा ले सकते हैं। यानी थीटा से लगा हुआ कॉम्पोनेंट कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर जो कॉम्पोनेंट होगा वो साइन होगा। समझ में आ गई बात, समझ में बात आई कि नहीं है? क्यों भैया? ये बॉडी देखिए, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। अगर वो बॉल दादा के घर में गिरी है और दादा के घर की दूरी आपसे कुछ है, तो ये दूरी कौन सी दूरी कहलाती है? हॉरिजेंटल दूरी को कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए? सुर्रा वाली, यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी चाहिए। और दादा की छत पे गिरी है तो छत तो कुछ हाइट में होगी, और हाइट को कवर करने के लिए कौन वेलोसिटी चाहिए? वर्टिकल चाहिए, क्योंकि वर्टिकल वर्टिकल को कवर करेगी, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल वर्टिकल से मतलब नहीं है। वेलोसिटी तो आप एक दे रहे हो, तो यानी इस वेलोसिटी के पास दो ताकत हैं, ये बॉडी को आगे भी ले जा रही है और ये बॉडी को ऊपर भी ले जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी तो एक ही है ना, इसका मतलब उस एक वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, दो भाग हैं। एक भाग वो है यू एक्स जो इसको आगे ले जा रहा है, ये कैसे आया, यू कॉस में आ गया, और एक भाग है यू वाई, यू साइन हो गया। तो थीटा से लगा हुआ कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन, समझ में आ गई बात। अभी वेक्टर में फिर बताया जाएगा इसको। अब जरा यहाँ पे रहो आप, ये बॉडी कोई नीचे गिर रही थी है ना, तो ध्यान समझिएगा, तो जब बॉडी रखी जाएगी तो इसका जी किधर काम करेगा? जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ना, जी तो इधर काम करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी यहाँ पर, जी होगी नहीं होगी? अच्छा, जिधर जी काम कर रहा है क्या बॉडी इधर आ रही है? इधर नहीं आ रही है ना, तो जब बॉडी इधर गिर नहीं रही है तो ये वाला जी हम लेंगे नहीं। ठीक, तो जरा देखिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींची, ये एंगल कितना होगा? थीटा। अब कैसे होगा ये समझ लीजिएगा, देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल कितना है? 90, क्योंकि आपने इस सरफेस के परपेंडिकुलर खींचा है इसको, और उसमें से ये है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा? अब समझ आ गई बात, थीटा कैसे हुआ। अब देखो, जी का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होता है? जी कॉस थीटा, अभी हम निकाल चुके थे, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट पढ़ाया जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, हम नहीं पढ़ाते ये, हम कहते हैं थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन कंपोनेंट होगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब बताइए, बॉडी जिधर आ रही है उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ना, तो यहाँ एक ही जगह क्या लिखा जाएगा? जी साइन थीटा। यानी यहाँ पर एक ही जगह क्या लिखा जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? नहीं समझ में आई बात? अभी हम बता चुके हैं, अगर जी का कॉम्पोनेंट, ये जी है मान लिया, ये जी है, और ये थीटा से लगा हुआ कॉम्पोनेंट क्या हमने बताया था? जी का थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या बताया था? अब आप कहेंगे इसके परपेंडिकुलर ये भी तो होता है, ये बीच में होना चाहिए, इसके दो कॉम्पोनेंट है ना, तो जी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये भी तो है, लेकिन ये बीच में होना चाहिए था। तो थीटा से लगा हुआ कॉम्पोनेंट जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर जी साइन थीटा होगा। तो बॉडी जिधर आ रही है उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कौन सा कॉम्पोनेंट बोल दो? यानी एक जगह यहाँ क्या यूज करेंगे हम? जी साइन थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या निकलेगा आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए बोले तो g साइन थीटा इन टू टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी साइन थीटा इन टू एस, और v वो क्या होता है, ये क्या लिख गया मैं, ये थर्ड इक्वेशन आ गया, गलती से सेकेंड लिखा, थर्ड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? एस एच इज इक्वल टू, यहाँ एस को एच कर दो, एस भी करोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं है? तो ये आपके क्वेश्चन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसको नोट करिए।